हाय, दिस इज मनीषा सिंह. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी. सो आई हूँ आप सभी के बीच एक और यूनिक जबरदस्त जॉब अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है EMRS की तरफ से, वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 के लिए. फ्रेंड्स, EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये ऑर्गेनाइज है. और इसमें आपको वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें कि आपको प्रिंसिपल, PGT, अकाउंटेंट, लैब अटेंडेंट, JSA यानी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, और भी वेरियस टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसीज आउट हो चुकी है. ग्रुप सी की ये पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है. मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहने वाला है. फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाली हूँ इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपको पोस्ट एंड डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा, साथ ही साथ आपको एग्जाम की डेट, एग्जाम पैटर्न सारे कुछ अच्छे से बताने वाली हूँ. सो अगर आप भी इस यूनिक जॉब अपडेट को लेकर अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड होना, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. तो चलिए, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. जिस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आई है उसका नाम है EMRS, जैसा कि आपको पहले भी बताया है. और एग्ज़ाम जो आपका कंडक्ट कराया जाता है वो आपका NEST के थ्रू कराया जाता है, मतलब नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ट्राइबल स्टूडेंट्स, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा आपका. EMRS मतलब कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आता है. बट इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो आपको इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, यानी प्रेजेंट में धर्मेंद्र प्रधान EMRS के आपको चेयरपर्सन हो गए. ST कैटेगरी के चिल्ड्रंस के लिए जो क्वालिटी एजुकेशन होता है उसको प्रोवाइड करने के लिए EMRS की स्थापना की गई थी. फिलहाल 3-4 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है आपको टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट के लिए, बट मैं यहाँ पे आपको नॉन टीचिंग पोस्ट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल बताने वाली हूँ. सो सबसे पहले आपको बता दूँ कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपका 4062 रहने वाला है. पोस्ट एंड वैकेंसी की बात करें तो चलो पोस्ट वाइज आपको बता देती हूँ कि कितनी कितनी वैकेंसी रहने वाली है. प्रिंसिपल के लिए आपको 303 पोस्ट रहेगा, PGT के लिए 2266 सीट है, अकाउंटेंट के लिए 361 है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी JSA के लिए 759, लैब अटेंडेंट के लिए 373. तो इस तरह से देखा जाए तो ओवरऑल 4062 आपका जो सीट है उसको ऐसे डिवाइड कर दिया गया है. इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें फ्रेंड्स, तो आपका ये फॉर्म 29 जून 2023 से आपका ऑलरेडी स्टार्टेड है, और लास्ट डेट यहाँ पे रखा गया 31 जुलाई 2023. सो अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो, इस जॉब रिक्रूटमेंट के लिए इंटरेस्टेड हो, तो आपको 31 जुलाई का वेट नहीं करना है. आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म को अप्लाई कर दो. एंड आपका जो लास्ट डेट टू फी पेमेंट है वो भी आपका 31 जुलाई 2023 ही रहने वाला है. फॉर्म की फी आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जनरल OBC और EWS के लिए 1000 रुपीज रहेगा, वहीं पे SC ST और फिजिकली हैंडीकैप से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा. एज लिमिट विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 31 जुलाई 2023. मैक्सिमम एज फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया आपको 30 to 50 years आपका रहेगा. जो पोस्ट वाइज है ना वो आपका एज लिमिट अलग अलग रखा गया है. यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, OBC वालों को 3 years का, SC ST को 5 years का एज पर द गवर्नमेंट रूल्स. और भी जो कैटेगरीज है जिनको कि एज रिलैक्सेशन दिया गया उनकी जो जानकारी है मैंने स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दी, आप एक बार अच्छे से देख लो. तो चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पोस्ट वाइज आपका क्या मैक्सिमम एज लिमिट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है. तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी JSA की पोस्ट के लिए. यहाँ पे टोटल सीट आपको 759 रहेगा, मैक्सिमम एज 30 years रहेगा, और क्वालिफिकेशन आपका 10+2 होना चाहिए. इसके साथ ही साथ आपको इंग्लिश टाइपिंग या हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए. अगर इंग्लिश टाइपिंग है तो आपको 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट रहेगा.
उसके बाद फ्रेंड्स अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए आए जहां आपको सीट 361 है। मैक्सिमम एज आपका 30 इयर्स देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन में आपको बैचलर डिग्री इन कॉमर्स यानी कि बीकॉम आपने कर रखा है इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप यहां पे एलिजिबल रहने वाले हो। अब बारी आती है लैब अटेंडेंट की पोस्ट की, तो इसके लिए आपको टोटल सीट 373 है। मैक्सिमम एज इसमें भी आपको 30 इयर्स देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन में अगर आपने 10th पास कर रखा है, इसके साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है लेबोरेटरी टेक्निक का, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आपने 10+2 अगर कर लिया है, इंटर में आपने साइंस स्ट्रीम ले रखा है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। चलिए अब आपको बता देती हूँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो आपको जेएससी की पोस्ट के लिए 2 स्टेज का सिलेक्शन प्रोसेस होता है, रिटेन एग्जाम प्लस आपका टाइपिंग टेस्ट। और आपको 2 पोस्ट जो है अकाउंटेंट और लैब अटेंडेंट, इसके लिए फ्रेंड्स आपको सिर्फ रिटेन एग्जाम के बेस पे होगा। और जो रिटेन एग्जाम तीनों ही पोस्ट के लिए होगा वो आपका ऑफलाइन बेस्ड एग्जाम होगा, मतलब कि ओएमआर सीट पे आपको पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम देना होगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले बताती हूँ आपको कि जेएसए की पोस्ट यानी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए आपका जो एग्जाम होता है वो आपका 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। 130 क्वेश्चन 130 मार्क के 2.5 आवर के लिए, मतलब पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क मिलेगा और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25 का। तो चलो मैं सब्जेक्ट वाइज आपको क्वेश्चन एंड मार्किंग बेसिस बता देती हूँ। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क के, क्वांट के 20 क्वेश्चन 20 मार्क के, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन 30 मार्क के। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है, इसमें इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों से आपको इक्वल नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 15-15 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन 30 मार्क का रहेगा। ओवरऑल आपका 130 क्वेश्चन 130 मार्क के एंड 2.5 आवर का ये पेपर होगा। फिर आप इसको क्वालिफाई करेंगे तो आपका स्टेज 2 यानी कि टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा 50 मार्क्स का, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स 20 रहने वाला है, बट ये आपको क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। फ्रेंड्स मेरिट आपका स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों के बेसिस पे होता है, मतलब कि इसमें आपका टाइपिंग का जो रेशियो रहेगा 1:3 है, तब जाके आप क्वालिफाई कर पाओगे। और आपको पहले भी बताया कि अगर टाइपिंग टेस्ट में इंग्लिश से आप टाइप करते हो तो 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, हिंदी वालों के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट का रहेगा। और जेएसए के लिए जो इनहैंड सैलरी होती है आपको इनिशियली 34,000 टू 75,000 के अप्रॉक्स आपका रहता है। अच्छी खासी फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्लर्कियल जॉब होने वाला है। तो चलो अब सेकेंड पोस्ट का एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, जो कि अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए 130 क्वेश्चन 130 मार्क्स के 2.5 आवर का, इसका भी पेपर होगा, 0.25 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें जो आपको सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहता है वो आपको रीजनिंग का 20 क्वेश्चन 20 मार्क का, क्वांट के 30 क्वेश्चन 30 मार्क का, लैंग्वेज की आपको यहाँ पे इंग्लिश प्लस हिंदी के 10 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब 20 क्वेश्चन 20 मार्क के लिए। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन की 20 क्वेश्चन 20 मार्क का, मतलब इसमें आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर्स तीनों से मिला के 20 क्वेश्चन 20 मार्क का ही रहेगा। उसके बाद बारी आती है आपको सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज, मतलब अकाउंट से रिलेटेड आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क का रहेगा। सो ओवरऑल देख लिया आपने 130 क्वेश्चन 130 मार्क्स के लिए, और आपका 2.5 आवर का इसका भी पेपर होता है। इसमें जो आपको अकाउंटेंट की सैलरी होती है इनिशियली वो आपका 48,000 टू 1,22,000 तक रहने वाला था। ये तो बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने कॉमर्स ले रखा है ग्रेजुएशन में, आपने कॉमर्स लिया था, आपके पास बीकॉम की डिग्री है, तो आप लोग जरूर इस फॉर्म को भरना। इसमें ज़्यादा गैदरिंग भी नहीं होता है, कॉम्पिटिशन भी बहुत कम देखने को मिलेगा, तो ईजिली आप इस पोस्ट को अचीव कर सकते हो। अब बारी आती है थर्ड पोस्ट यानी कि लैब अटेंडेंट की पोस्ट की एग्जाम पैटर्न को समझने की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का है, 2.5 आवर की आपकी पेपर होती है, यहाँ पे भी आपको 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहता है। तो आओ मैं आपको सब्जेक्ट जो बता देती हूँ कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन है, मतलब 4 सब्जेक्ट के है कितने नंबर की, यह आप बता देती हूँ। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 मार्क के लिए, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 मार्क के लिए, लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश प्लस हिंदी के 15 क्वेश्चन, मतलब टोटल 30 क्वेश्चन 30 मार्क के लिए।
सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन क्वेश्चन, मतलब कि लैब अटेंडेंट का है तो आपको लेबोरेटरी टेक्निक से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन 60 क्वेश्चन रहेगा 60 मार्क्स के लिए। टोटल ओवर आपका 120 क्वेश्चन 120 मार्क के लिए, 2.5 आवर का ये भी पेपर होगा। लैब अटेंडेंट की पोस्ट ज्वाइन करने के बाद आपकी जो सैलरी होती है वो आपको 30,000 टू 60,000 के अप्रॉक्स रहता है। सो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो आई होप कि आप सबको जो भी मैंने ये डिटेल बताया है EMRS वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और अगर समझने में कोई सी भी दिक्कत है तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं आपके क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और EMRS का जो नोटिफिकेशन ऑफिशियली अनाउंस किया गया उसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल मनीषा सिंह जॉब अपडेट पे पोस्ट कर दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। अदरवाइज अगर आप और भी ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हो मुझसे तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप करेंट अफेयर्स की आपको क्विज की स्पीड आपको इनहेंस करनी है तो मेरा एक क्विज का भी एक चैनल है जनरल नॉलेज के लिए, उसमें आप जाके ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। सो मिलती हूँ आपसे फिर से एक जबरदस्त जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।